अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल खान डॉटर तो आज की वीडियो होने वाली बहुत ही स्पेशल और आज है जोहान का बर्थडे येस yes, बिल्कुल आज होने वाला है माशाल्लाह से हमारा वापस से व्लॉग अपलोड तो आज जो है ना ये व्लॉग हम लोग सेलिब्रेशन व्लॉग बनाने वाले बिकॉज़ यू नो कि जो जोहान है वो फाइनली ये साल दो साल का हो गया है और हम लोग ने ना सोचा था पहले तो कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करेंगे बट जोहान का जो फर्स्ट बर्थडे था ना वो बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं हो पाया था तो हमने सोचा चलो कुछ नहीं तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे बल्कि एक छोटा सा है ना ढाबे पर जाते हैं और आपको पता हमारा फेवरेट ढाबा मुमरा का भी कौन सा है कस्बा तो हमने सोचा चलो कस्बा ढाबा जाते हैं और कस्बा जाके ना जो जुहान का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं तो ये ना जो व्लॉग हम बना रहे हैं वो एक दिन पहले से ही स्टार्ट किए थे क्योंकि हमें बहुत सारी प्रिपरेशन करने की थी और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि जुहान का फर्स्ट जो बर्थडे था ना वो नहीं बना पाए थे बहुत ज़्यादा हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए सब स्पॉयल हो गया था बट इस बार सोचा है जुहान के लिए जैसा पहली बर्थडे में केक सोचे थे तो यहाँ पर मैं आप लोग को केक बता रही हूँ केक शो कर रही हूँ वैसे ही एग्जैक्टली केक बनाएंगे thank you यस yes, हमने सोचा था ना कि जोहान का जो फर्स्ट बर्थडे का केक था ना वो हम सेकेंड बर्थडे में बना लेंगे और यहाँ पे बर्थडे बॉय को देख लो माशाला से दो साल का हो गया और जैसे ही दो साल का हुआ है ना तो इतना चंचल हो गया है ना मतलब मेरे जोहान का पैर ना टिकता ही नहीं है ना बोल तुम हाँ इधर उधर इधर उधर बस भागते ही रहता है उसको ना बहुत सारी मस्ती करनी होती है और बहुत सारा फन तो उसको है ना खेलने के लिए बस भागना है कहीं लेके चलो या करो तो हम सोचे कि जब इंजॉय करना है तो कस्बे ही चलते हैं फिर बर्थडे बनाने घर में तो और ही बनाते हैं हम लोग कस्बा ना इतनी बार गए ना इतनी बार गए और हमें ना पिछली बार जब हम गए थे ना तो कस्बा वालों ने हमें कहा था कि यहाँ के यहाँ पे ना चिकन मंडी जरूर ट्राई करना और वो बहुत मजे की होती है तो स्पेशली हमारा ये भी प्लान था कि हम जब कस्बा जाएंगे ना तो हम ना वहाँ पे चिकन मंदिर जरूर ट्राई करेंगे और ये तो आपको आगे ही पता चलेगा कि हमारा मंदी का एक्सपीरियंस क्या था भाई बहुत बुरा एक्सपीरियंस था सीरियसली में मतलब है ना कुलसुम जब हम अच्छा सोच के जाते हैं कि हमारे साथ अच्छा रहेगा अच्छा खाने मिलेगा बट तो हमारे साथ तभी बुरा होता है फर्स्ट टाइम हमारा कस्बा को एक्सपीरियंस इतना ज्यादा अच्छा नहीं था मुझे तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं लगा अच्छा फाइनली यहाँ पे ना मैं एक दिन पहले जोहान के बर्थडे की शॉपिंग भी कर ली थी यहाँ पे मैंने जोहान के लिए कुछ ड्रेसेस और शूज लेके आ गई थी तो यहाँ पर दीदी ने बहुत अच्छा सा बहुत प्यारा सा कलर्स में ड्रेस लिए आए थे और जुहान बहुत हैप्पी था बहुत ज़्यादा खुश था और बस कपड़े पहन के ना चलो 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 बस हमें जाना है वहाँ जाके खाना पीना ही और इन्जॉय कर रहा था और जुहान को जैसे मैं डिक्टेट कर करते हैं ऐसा एक्शन करो वैसा करो तो जुहान खुशी के मारे सब वैसे कर रहा था एक्टिंग एंड माशाला से मेरा प्यारा सा गुड्डा दिख रहा था हाँ और माशाला पता है उसके ऊपर ना उसको इतने से शौक है ना कुलसुम हाथ में घड़ी चाहिए गॉगल्स चाहिए मम्मा गोगल दिलाओ शूज चाहिए तो फाइनली यहाँ पे ना हम लोग ने यूट्यूब वाले के पास से ना केक थे और यह हमारा फर्स्ट केक था ना हमारा फर्स्ट केक था बट अच्छा एक्सपीरियंस था 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 उसका केक भी भी अच्छा अच्छा फ्लेवर तो फाइनली नेक्स्ट डे जो है ना फर्स्ट मार्च को हम लोग चले गए थे शाम के टाइम पे जोहान का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए कस्बा और भी ढाबे है जो हमें ऐसा लगता है ना बहुत अच्छे है मुमरा में हम लोग लाला जाने वाले थे क्योंकि वहाँ पे हमें सी फूड खाना था बट कैसा गया था ना कि झिंगा लाला है ना वो बर्थडे सेलिब्रेशन के टाइप पे नहीं हो रहा था और शालीमार हम लोग गए थे वो हमें थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा था तो हमने सोचा चलो ओपन ढाबा जो है ना वो कज़बाई है और जोहान तो यहाँ पे ढाबा आने के बाद एकदम चेंज हो जाता है ना कुलसुम हाँ हा, जोहान हा, को बस मस्ती करना रहता है फन करना रहता है एंड वहाँ पर बहुत सारी राइड्स वगैरह राइड नहीं मतलब आ, क्या बोलती हाँ, है गाड़िया वगैरह रहती है छोटे छोटे तो बच्चों की हाँ, हाँ पता है कि कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पर बैठना है तो वो वो चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है हाँ उसको ऐसा लगता है ना कि बस हाँ द, वहाँ पर लेकर जा रहे हैं ना तो चलो कैसा है ना मस्त हमें घुमा फिरा दो चलो मैं ना आपके कस्बा के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देती हूँ कस्बा अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा ये रोलिंग वाला गेम खेलने के बाद और कस्बा वैसे तो काफ़ी ह्यूज ढाबा है मुमरा का और काफ़ी मतलब बोलते हैं ना अभी तक का कस्बा का खाना हमें बहुत बेहतरीन लगा था और आज भी माशाला खाना बहुत ही अच्छा था कस्बा का हमने सिर्फ जो मंदी मंगाए थे ना उसका टेस्ट हमें थोड़ा सा

तो हम लोग एंट्रेंस के एंड हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था हाँ, कुल अच्छी वाली वाइब्स आ रही थी इससे पहले जब हम गए थे ना तो कस्बा में इतनी लाइटिंग नहीं थी जितनी अभी उन्होंने लाइटिंग लगा दी है हाँ, पूरा तभी ना अंधेरा अंधेरा टाइप था तो इतना नहीं आ रहा था बट आ, जब आज गए थे तो इतनी अच्छी वाली वाइब्स आ रही थी एंड हमें भी अच्छा लग लगा और कस्बा की एक चीज और अच्छी हो गई की इन्होंने अपना हर जगह का डाइनिंग सेक्शन जो है ना वो ओपन कर दिए है आप फैमिली के साथ जो आते हो तो उसका डाइनिंग सेक्शन अलग है और वे का अलग है बहुत सारा इनका अलग अलग वे का यहाँ तक नाव का डाइनिंग सेक्शन भी जो है ना इन्होंने ओपन कर दिया हाँ। तो हम लोग टहल टहल के आपको सारे एरिया का जो है ना चीजें दिखा रहे थे कि अगर आप कस्बाते हो तो देख लो यहाँ पे इतना सारा मतलब ऑप्शन है बैठने का आपको जहाँ पर भी बैठना है ना आप स्टे कर सकते हो मतलब स्टे नहीं कर सकते हो बैठ <laughs> सकते, सकते हो तीन चार घंटे आराम से आप निकाल सकते हो हम तो तीन चार घंटे आराम से अगर वेटिंग के लिए भी आप रुक रहे हो तो यहाँ पर इतने सारे गेम्स है मतलब आप बच्चे लोग के साथ बच्चे को खिला सकते इंजॉय कर सकते हैं इतना ना टाइम तो तो एक उसका एकदम कम्पल्सरी अम्मा बस उस पे बैठा दो अम्मा बस गाड़ी पे बैठा दो हाँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह जोहान जो है ना काफी हद हाँ तक अपना बर्थडे जो है ना इंजॉय करा तभी जोहान छोटे तो उसको इतनी मेमोरीज नहीं होगी है ना हाँ तो हम इसलिए उसके लिए वीडियो बनाए कि आगे जाके कोई हुआ हाँ। तो हाँ। मेरे चैनल पे देख सकते हैं हाँ कि मेरे वो लोग ऐसे थे कि मेरा वीडियो बनाए तो उसकी एक मेमोरीज हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल बाबा मेरे जुहान को माशाल्लाह अल्लाह बहुत सारी बोलते हैं ना बहुत सारी अच्छी अच्छी आदतें दे लंबी उम्र दे और सब अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर भी एक छोटा सा गार्डन है जो बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट वाला गार्डन है बहुत अच्छा गार्डन है यहाँ पर भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो और थोड़ा सा टाइम पास भी कर सकते हो बहुत अच्छा गार्डन है और यहाँ पर जुहान बैठ के ले मज़े 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 मतलब जुबान का फिर लग रहा था हाँ जुबान एंजॉय कर रहा है अपना बर्थडे पूरा एंजॉय

वन आवर्स मतलब वेट किए एंड वेट करने के बाद हम वहीं बैठे एंड बहुत अच्छा लगा वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएँ रही थी और गर्म गर्म खाना और क्या ही चाहिए हाँ ये तो है कि माशाल्लाह ऊपर का स्पेस भी बहुत अच्छा था काफ़ी और मतलब अच्छा यूज स्पेस था तो ये चीज हमें अच्छी लगी थी और डाइनिंग के लिए यहाँ पे हम लोग सब लोग बैठ गए थे और हमने ना सबसे पहले मंगाए थे क्रिस्पी चिकन क्रिस्पी उससे पहले हमने चना पापड़ मंगाए थे ना कुछ हाँ, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी था और हम हमेशा खाने से पहले खाते ही है हाँ हम लोग ना कभी भी जाते ना तो हम लोग का चना पापड़ फिक्स ही होता है मतलब हमें चना पापड़ खाने के लिए चाहिए ही होता है और यहाँ पे कुलसुम बैठ के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि कुलसुम का व्लॉग बन रहा था तो कुलसुम को ऐसा था कि हाँ बाबा जल्दी जल्दी मेरे व्लॉग को है ना शूट करो हाँ, हाँ। और मुझे बस ये था अब चलो जुहान का केक कैसा बनाए है, खाते हैं टेस्ट करते हैं इन्जॉय करते हैं जुहान अपने बर्थडे केक का देख के ना मतलब ऐसे सोच रहे थे मेरा बर्थडे फिर पुप्पू केक क्यों खोल रहे हैं हाँ <laughs> कुलसुम अपना ही लगी हुई थी मतलब कुलसुम कहता था जल्दी जल्दी लाओ जल्दी से ना फटाफट से ना जो है ना बर्थडे का केक ओपन करो और जुहान का बर्थडे काटो और यहाँ पे मेरा जुहान का जो है ना माशाल्लाह से बहुत खुश था एंड वो अपना बर्थडे पूरा एंजॉय किया है तो हमें ये बात की बहुत हाँ, मतलब बोलते ना बच्चों के साथ बच्चे बन के अगर हम लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं ना तो सच में बच्चे भी माशाल्लाह बहुत हद तक खुश हो जाते हैं और मेरे जुहान को देखने के बाद तो हम लोग इतना खुश हो जाते हैं ना मेरा बेटा हमेशा माशाल्लाह बहुत हमें बहुत अच्छा लगता है और यूट्यूब केक वाले को थैंक यू क्योंकि सच में उन्होंने ना बहुत प्यारा केक और बहुत रिजनेबल प्राइस में बना के दिए थे हम तो इतना ज्यादा हैप्पी थे ना केक देखने के बाद मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा मतलब फील करती थी कि हाँ चलो मेरे बेटे के लिए मुझे जैसा केक चाहिए था वैसा बन गया और सेकेंड बार टेस्ट भी काफी अच्छा था हाँ, हम जल्दी कहीं का केक नहीं खाते बहुत कम जगह का हाँ, केक वाले भी फिक्स बट इस बार हम सोचे कुछ अलग ट्राई करते हैं हर जगह से एक बार थोड़ा सा डिफरेंस कुछ करना चाहिए तो इस बार हम यूट्यूब केक चले गए और सोचे हाँ। से बनवा लेते हैं एंड बहुत अच्छा केक था हमें बहुत अच्छा मजा आया फिर यहाँ पर हम जोहान का केक काटने हाँ जोहान का हम लोग केक काट करने के लिए मतलब सब लोग बैठ गए थे तो साथ में मेरे हस्बैंड भी गए थे मेरे भाई भी गए थे और मेरी बहनें थी और मुस्कान थी तो हम लोग सब मिलकर जोहान का जो है ना ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन करते थे हमारे हिस्से ग्रैंड बर्थडे हाँ. सेलब्रेशन करते हैं माशाला तो यहाँ पे हमने जोहान को बहुत सारी दुआई दिए थे और मैंने तो बहुत सारी मेरे दिल से मेरे बच्चे को दुआई दी थी और मेरा पापा भी इतना खुश ना कुलसुम कि यहाँ पर कार्टून चाले तो बंद ही नहीं होते और यहाँ पर हुआ क्या था हमने लाइटर ऑन किया के एंड कैंडल जलाए बट हाँ क्या हो बड़, गया बट वो जली नहीं नहीं वो जली बट हमने उसे ना ये बुझाना बुझाना ही डायरेक्ट केक कट कर लिए इतना हाँ। हंस रहे थे ना हम लोग सब कि मतलब ये ये कुलसुम का एक्साइटमेंट होता है ये ये क्लिप्स में दिख के आती है कुलसुम का एक्साइटमेंट कुलसुम क्या करती है ना मतलब इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि आगे क्या चीजें कवर करनी है वो भूल जाती है और बस देखो केक कटिंग हो गया केक निकाल भी दिया हमने केक और कैंडल वैसे ही पड़ी हुई है फिर यहाँ पे अभी हम जुहान को बोलेंगे पापा कैंडल तो फूको आप फिर मैं दी फिर के मुझे इतना अच्छा लग रहा था ऐसा लग रहा था मेरा ही बर्थडे मेरी यहाँ पे ऑर्डर तो दी थी भूखी थी ना मुझे ढाबा जाने के बाद यही फील आता है कि जल्दी जल्दी से खाना है गर्मा गर्म और कस्बा वालों का एक सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगती है और मजा बहुत इतमान से खाना देते बहुत घाई नहीं करते कभी भी टेबल पे खाना ला कर रख दे रहे और हो और ठंडा हो रहा है और आप खाते जाओ नहीं आप उनको बोलोगे ना कि दस मिनट रुको दस मिनट बाद आप खाना लेके आना गरम गरम तो वो दस मिनट बाद लेके आएंगे लेकिन माशाल्लाह से बहुत अच्छी सर्विस देते मुझे उनकी ये सर्विस बहुत अच्छी लगती है हाँ और यहाँ पर मैं पापड़ खा रही थी पापड़ के थोड़े मजे ले रही थी जब तक क्रिस्पी आ रही थी एंड चिकन क्रिस्पी भी इतनी यमी थी ना इतनी टेस्टी मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं सच बताऊँ ना तो इनका जो चना पापड़ होता है ना ये भी काफ़ी टेस्टी होता है और हमने फर्स्ट टाइम इनकी ना क्रिस्पी और शीजलर ट्राई किए थे शीजलर में से तो क्या इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी इतनी फ्लेवरफुल खुशबू आ रही थी और शीजलर जो हमने खाए थे यहाँ का कुछ कस्बा स्पेशल शिजलर मंगाए हाँ। थे ना हम लोग ने कुछ हाँ, क्रिस्पी भी अच्छी थी बट ओके थी इतनी खास नहीं थी बट बटलर जबरदस्त था बहुत जबरदस्त लगा था मुझे हाँ। था। और हम लोग यहाँ लो पर बोले नहीं आ रहे था। और शीजर का टेस्ट भी काफी हद तक काफी अच्छा था और काफी मजे का था मुझे तो शीजर काफी मशाला बहुत अच्छा लगा था क्रिस्पी भी अच्छी लगी चना पापड़ भी अच्छा था बट मेन जो हम था ना आज ट्राई करने आए थे वो हम आए थे मंडी हाँ, मंडी हमारी आपको मैं बता दूं फुल मंडी हमें आई थी कुछ अठारह सौ रुपए की लेकिन मुझे वो वर्ड नहीं लगी शिजलर मुझे वर्ड लगा शिजलर का प्राइस आपको मैंने आगे मेंशन कर दी हूँ कि शिजलर हमें कितने रुपए में आया था और क्रिस्पी भी हमें कितने रुपए में आई थी और यहाँ पे जोहान की तो अपनी अलग ही मस्ती थी बर्थडे बॉय ने कुछ नहीं खाया था बर्थडे बॉय की फुप्पू मम्मी और फुप्पा और सारे लोगों ने इंजॉय किए थे बट बर्थडे बॉय ने कुछ नहीं खाया था तो ये है फाइनली मंदी और ये मंदी बहुत फिकी थी बट इतनी भी फिकी नहीं रहती है और अभी हमें स्पाइसी खाने की आदत हो गई है तो हमें थोड़ा चटपटा चाहिए रहता है एंड बट फिर भी हम मंदी ट्राई किए सोचे होगी थोड़ी नॉर्मल टाइप मुझे ना मंदी का टेस्ट अच्छा लगा उसके साथ उन्होंने चार सूप एक चटनी सैलेड सारी चीज़ें उन्होंने परफेक्ट दिए थे और मुझे मंदी अच्छी भी लगी मतलब जैसे हिसाब से मंदी होती है ना अब मैंने एब्रॉड में तो कभी ट्राई नहीं की हूँ बट ओके ओके मुंबई के हिसाब से तो बेस्ट टेस्ट था कुछ है कि नहीं के हिसाब से बेस्ट टेस्ट था एंड उसका जो सूप था वो भी बहुत फीका था बट ठीक है वो जो चटनी थी ना कह की थी हाँ वो टमाटर की चटनी थी वो साथ भी साथ हाँ। अच्छी लग रही थी एंड सूप भी थोड़ा डाल के मतलब सब मिक्सिंग कर वगैरह करके खा रहे थे ना तो अच्छा टेस्ट था बट हाँ। मुझे थोड़ा सा ना कॉस्टली लगा क्योंकि चिकन की मंदी अठारह सौ रुपया है ना कुल तुम काफी हाँ। कॉस्टली लगी ना तो जब बिल आया था ना तो हम लोग तो एकदम एक दूसरे का मुंह देख के शौक थे की चिकन की मंदी अठारह सौ रुपए की अच्छा वो हम लोग ने बकरे की नहीं मंगाई थी तो, तो मंदी का रेट मुझे थोड़ा सा हाई लगा था बट टेस्ट ऑल इन वन बहुत अच्छा था गुड था और जिसको फीका वगैरह खाना खाना पसंद है तो आप मंदी खा सकते ये हो मंदी yes. अच्छा ही था बस हमारे हम स्पाइसी खाते इसलिए हमें फीकी हाँ। और पा... आपको पता है आपको अगर मंदी नहीं खाना है, तो आप इनकी अल्फाम चिकन भी जरूर ट्राई करना मुझे अल्फाम चिकन भी इनकी काफी अच्छी लगी थी जो कुछ सात सौ आठ सौ रुपए की फुल थी बहुत टेस्टी होती हाँ। है बाकी यहाँ का कस्बा का खाना हमें बहुत पसंद है इसलिए हम बार बार यहीं जाते हैं खाने के लिए यस yes, बिल्कुल तो बस यहाँ पे हमने मंदी वगैरह काफ़ी हद तक माशाल्लाह से इन्जॉय कर लिए थे और बहुत मज़ा भी आया था आज काफ़ी टाइम बाद जो है ना हम कस्बा गए थे घूमने के लिए बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी हमें माशाल्लह से तो यहाँ पर हम लोग ने केक पहले कट कर चुके थे बट बर... टेस्ट नहीं किए थे तो फिर सोचे थे खाने हाँ, के बाद मीठा खाएंगे तो मजा आएगा यहाँ पे देखो मैंने मेंशन मैं मंदी हमें अठारह सौ रुपए में आई थी और कस्बा स्पेशल शीजल सात सौ अस्सी रुपए का था कोली चना एक सौ अस्सी रुपए का था एंड बाकी आप खुद ही पढ़ लेना उसके बाद आज हम लोग का मन था बहुत पान खाने का बट आज पान वाले भाई की शॉप बंद थी बनती तो हम लोग आ गए थे ऐसे ही हम क्रीम वगैरह खाते हैं तो हम आज सोचा कि आज आइसक्रीम खा लेते हैं क्योंकि आज शॉप उनके पान वाले के अंक भाई की बन बंद बन थी हाँ, तो हमेशा हाँ। हम पानी खाते थे या तो फिर सीताफल क्रीम जो हमारी ऑल मोस्ट फेवरेट है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था इससे पहले हम हम एक्चुअली वो वाली आइसक्रीम खाने गए थे वो जो बनती है ना कुलसुम लाइफ आइसक्रीम हाँ। बट वो भी अवेलेबल नहीं थी तो हमने यहाँ पे दो तीन तरह की आइसक्रीम लिए थे और माशाल्लाह से एंजॉय किए थे तो बस यहाँ तक की आज का व्लॉग था आई होप गाइज आपको पसंद आएगा व्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना बहुत सारा